ऑलमोस्ट 16 मिनट बचे हैं, उसके बाद में ऑफिशियली ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी कैटीजन एयरड्रॉप की, जिसमें आपको कैटी टोकन मिला था। जब तक ये समय एंड होता है तब तक हम ये समझ लेते हैं कि आपको किस प्रकार से बाइनेंस एक्सचेंज पर, या फिर अगर आप बेचना चाहते हैं बाइबिट एक्सचेंज पर, या फिर अगर आप किसी अदर एक्सचेंज को यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने get.io एक्सचेंज पर लिया है, या फिर आपने यहाँ पर बिटगेट एक्सचेंज पर लिया है, या आपने MEXC एक्सचेंज पर लिया है, सो इनमें से आपने किसी भी एक्सचेंज पर अपने टोकन को लिया हो, किस प्रकार से आप अपनी कैटी टोकन को बेच पाएंगे, किस प्रकार से आप लिमिट ऑर्डर का उपयोग करेंगे, मार्केट ऑर्डर का उपयोग करेंगे, आपके लिए कौन सा इनिशियल स्टेज पे जो ऑप्शन है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, प्राइस का आपको पता ही नहीं रहे कि एक्चुअल में क्या प्राइस चल रहा है और आपको फिर नुकसान हो जाए। इसके अलावा आप प्राइस किस प्रकार से डालेंगे, किस प्रकार से आप एडिट करेंगे, किस प्रकार से कैंसिल करेंगे। इसके अलावा आप फ्री में और पैसा कमा सकते हैं get.io एक्सचेंज पर, एक और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग ऑफर चल रहा है। अगर आप यहाँ पर एयरड्रॉप 2049 टोकन को यहाँ पर स्टेक करते हैं, तो आपको जो APY देखने के लिए मिलेगी वो 517% है एंड काफी ज्यादा है। तो टोटल जो स्टेकिंग में यहाँ पर रिवॉर्ड रखा गया है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो है 56,66,667 टोकन, एंड आई थिंक आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास ये टोकन है तो आप इसको स्टेक कर सकते हैं। स्टेकिंग करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको टेलीग्राम में सभी लिंक्स मिल जाएंगे। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको स्टेक का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पर टोकन होना चाहिए एयरड्रॉप 2049, एंड आपके पास जितना भी है टोटल अमाउंट, आप जितना भी स्टेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ मैक्सिमम में डाल देंगे, बट 50 मिनिमम आपके पास होना चाहिए, एंड आप कंफर्म कर देंगे आपका जो स्टेकिंग है वो लग जाएगा। इसके अलावा आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब फ्री में भी आप टोन कॉइन अर्न करने के लिए एलिजिबल है। फ्री में टोन कॉइन अर्न करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है। वीडियो में कोड दिखेगा, फिलहाल ये ब्लर्क है, ये आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में दिखेगा, उस समय ये अनब्लर्क रहेगा। आपको इस कोड को कमेंट करना है, साथ ही में आपके टोन एड्रेस का लास्ट का 4 डिजिट आपको कमेंट करना है, एंड मेक श्योर कि कंप्लीट एड्रेस टाइप ना करें, अदरवाइज आप टाइप नहीं कर पाएंगे। एंड जैसे आप एलिजिबल हो जाते हैं, कंप्लीट टोन एड्रेस आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर भेज दें, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले स्टेप है आपको बाइनेंस ऐप को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ नीचे ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा, ऊपर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, स्पॉट के ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देंगे, यहाँ पर कोई भी कॉइन सेलेक्ट हो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है कैटी CATI, जैसे ही आप लिखेंगे आपको यहाँ पर काफी सारे पेयर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब यह होता है कि कैटीजन के एयरड्रॉप में जो आपको टोकन मिला है कैटी, उसको जब आप बेच रहे हैं तो आप बेचने के बाद में कौन सा टोकन लेंगे। So, आपको यहाँ पर USDT को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन मिलेगा बाय एंड सेल का, हमें खरीदना नहीं है, हमें तो बेचना है। So, आपको यहाँ सेल वाले ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद में आपको लिमिट का ऑप्शन मिल सकता है या मार्केट का, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब मान लेते हैं कि आप यहाँ लिमिट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, एंड ऑर्डर बुक में जो भी प्राइस चल रहा है आपको लग रहा है कि नहीं यार प्राइस ना कम चल रहा है, मैं तो इस प्राइस पे बेचूंगा। जैसे कि आप कहते हैं कि यार प्राइस चल रहा है जो भी है, मैं तो $5 पे बेचूंगा, तो आपने अपना प्राइस बताया। उसके बाद में आपके वॉलेट में जितना भी कैटीजन टोकन है बेसिकली वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है कि आपको यहाँ पर कितना जो टोकन है सिंपली वो बेचना है। मान लीजिए मैं पूरा डाल देता हूँ कि भाई मुझे पूरा बेचना है, इसने मुझे बताया कि अगर मैं इस प्राइस पर बेचता हूँ तो मुझे इतना अमाउंट मिलेगा, एंड सेल के ऊपर क्लिक करूंगा एंड मेरा ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं रिंकू भाई, मुझे तो केवल ये बता दो कि इंस्टेंट बिक जाए, तो आपको यहाँ मार्केट ऑप्शन का चयन करना है, और फिर आपको केवल ये बताना है कि टोटल आपके पास जितना टोकन रखा हुआ है उसमें से आप कितना टोकन बेचना चाहते हैं। जैसे ही वो आप डाल देते हैं और सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑर्डर बुक में जो फर्स्ट बायर होगा उसके साथ में आपका ऑर्डर मैच हो जाएगा एंड इंस्टेंट सेल आउट हो जाएगा। इसमें बेसिकली ये फायदा है कि आपको जो हाई वॉलिटिलिटी होती है मार्केट में उसका फायदा मिल जाता है, यानी कि एयरड्रॉप में तो ये ऑप्शन आपके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अगर हम लिमिट प्राइस डालते रहते हैं और प्राइस बहुत जल्दी अप डाउन होता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता ही नहीं है और काफी बार एकदम से डंप हो जाता है
जाता है तो हमारे लिए तो इरिटेशन भरा हो जाता है। एंड फॉर एग्जाम्पल आपके पास बाइबिट एक्सचेंज पर है तो बाइबिट एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नीचे आपको स्पॉट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ट्रेड के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई भी कॉइन सेलेक्ट हो आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है CATI। जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे आपको यहाँ पर कैटीजन को USDT के पेयर में सेलेक्ट कर लेना है। एंड कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा, सेम जैसे बाइनेंस में मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं वैसे ही यहाँ पर मिलेंगे। एंड अगर आपके पास मान लीजिए बिटकॉइन एक्सचेंज पर रखा है तो आप बिटकॉइन एक्सचेंज के अकाउंट को लॉग इन कर लीजिए। एंड वहां पर भी आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं और सेम कुछ इसी प्रकार से जो MEXC एक्सचेंज है वहां पर आपको फॉलो करने हैं। बाइनेंस एक्सचेंज पर एक घंटे का टाइम चल चुका है, लेकिन अगर मैं आपको अदर एक्सचेंज पर बताऊं तो वहां पर जो ट्रेडिंग है वो लाइव हो चुकी है। रफली $1 के अराउंड प्राइस चल रहा है। अगर हम बिटकॉइन एक्सचेंज पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो काफी अच्छा प्राइस है सिंपली वो देखने के लिए मिलेगा, रफली वो ही $1 के अराउंड यहाँ पर प्राइस चल रहा है। एंड अगर मैं आपको get.io एक्सचेंज पर बताऊं तो यहाँ पर भी आपको $1 के अराउंड जो प्राइस है वो देखने के लिए मिलेगा। एंड लिटरली यहाँ पर प्राइस डंप हो रहा है क्योंकि सभी लोग सेल कर रहे हैं। एंड बेसिक सी बात ये है कि भाई बाइनेंस में क्या हुआ, क्यों एक घंटे का टाइम बढ़ा दिया। ट्रेडिंग लाइव हो चुकी है, यहाँ पर अमाउंट डालूंगा कम्प्लीटली एंड सेल के ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड जो हाईएस्ट प्राइस गया था वो $1.2 गया था, आप देख पा रहे होंगे। अभी चार्ट यहाँ पर लोड ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी लोग यहाँ बेचने के लिए आ चुके हैं। इसीलिए अगर आप अपने ऑर्डर की डिटेल देखना चाहते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा देखने का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है एंड आपका जिस भी प्राइस के ऊपर सेल हुआ होगा ऑर्डर उसकी डिटेल दिखाई देंगी।